हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, रुलका इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का जिस आईपीओ का डे टू का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन स्टेटस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, इन सभी पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, आईपीओ जो है 16 मई को ओपन हुआ था, 21 मई को क्लोज किया जा रहा है, मतलब ट्यूजडे को क्लोज किया जा रहा है। ट्यूजडे इसलिए गाइस क्योंकि मंडे के दिन इलेक्शन है, मंडे इलेक्शन डे है और 20 मई है जो कि इलेक्शन डे है, और इस दिन मार्केट क्लोज रहेगा गाइस, इसलिए आईपीओ ओपन नहीं रहेगा, और इसलिए गाइस 21 मई को डायरेक्टली क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ है। 26.4 करोड़ का बुक बिल्ड इशू आईपीओ है और 19.8 करोड़ का फ्रेश इशू किया जा रहा है, 8.42 लाख शेयर्स का इशू करके, और 6.6 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है, 2.81 लाख शेयर्स का इशू करके ऑफर फॉर सेल किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 22 मई का और लिस्टिंग डेट फाइनलाइज किया गया 24 मई का। एनएससी एसएमई पर लिस्टेड किया जाएगा। 223 to 235 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 600 शेयर्स की लॉट साइज। बी लाइन कैपिटल एडवाइजर्स इसके लीड मैनेजर, सनफ्लावर ब्रोकिंग मार्केट मेकर और बिग शेयर सर्विसेज रजिस्ट्रार है। प्रोमोटर होल्डिंग कैच प्री इशू 86.28% का, पोस्ट इशू 69.22% का होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगा। एंकर इन्वेस्टर से 7.5 करोड़ का फंड रेज कर रही है, और अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन कर चुके हैं, और अगर हम सब्सक्रिप्शन की बात करें तो QIB से 1.01 टाइम का फुल्ली सब्सक्राइब है, लेकिन HNI से 5.26 टाइम का और रिटेल से 10.78 टाइम का। गाइज, QIB तो फुल्ली सब्सक्राइब है वन टाइम, लेकिन HNI और रिटेल ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है, और टोटल मिला के गाइज इस बार का डे वन में 6.81 टाइम का सब्सक्राइब किया है। अगर हम बिजनेस की बात, इसके GMP की बात करें गाइज, तो कंपनी का जो GMP चल रही है अराउंड 205 रुपीज़ का, सॉरी इसका जो GMP गाइज देखा जाए तो इसका जो GMP गाइज 205 रुपीज़ का GMP चल रही है, 235 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, 440 रुपीज़ पे लिस्टिंग होने के चांस है, और 87% का बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेब्यू करने जा रही है। वहीं अगर हम इसके बिजनेस की बात करें गाइज, तो कंपनी जो है मई 2013 में इनको फाउंड किया गया था, अराउंड आज से 11 साल पहले फाउंड किया गया था। इलेक्ट्रिकल और फायर फाइटिंग सॉल्यूशन कंपनी है, जिसमें कंपनी जो है अलग अलग तरह की सर्विसेज, जिसमें इंक्लूड है इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रिकल पैनल और सोलर EPC कॉन्ट्रैक्ट्स, टंकी इलेक्ट्रिकल वेयर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, इलेक्ट्रिक कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल सर्विसेज, मेंटेनेंस सर्विसेज, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग, डेटा एंड वॉइस स्टेबलिंग, वॉइस केबलिंग इंस्टॉलेशन, ये तरह की सर्विसेज जो है ऑफर करती है। और ये जो सर्विसेज है अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल, रिटेल और थिएटर, अलग अलग सेक्टर्स में ये सर्विसेज जो है सो केटर करती है, मतलब कि प्रोवाइड करता है। और कंपनी का इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस जो है सो इनकम्पास किया गया है, डिज़ाइनिंग, सप्लाइंग, इंस्टॉलिंग, टेस्टिंग, कमीशनिंग करने का प्रोजेक्ट को, और लगभग 100% ऑफ रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ जो है सो टर्नकी प्रोजेक्ट्स के थ्रू जनरेट किया जा रहा है, जो कि बोथ मटेरियल और लेबर इन दोनों से, मतलब कि दोनों इंक्लूड है इंजीनियरिंग डिज़ाइन और कंसल्टिंग सर्विसेज के साथ। कंपनी का सर्विस जो है अलग अलग तरह की डिवाइड किया गया, जिसमें है इलेक्ट्रिकल सर्विसेज, फायर फाइटिंग सिस्टम्स, सिक्योरिटी सिस्टम्स, पब्लिक एड्रेस सिस्टम्स, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम्स, ऑडियो वीडियो सिस्टम्स सर्विसेज, CCTV सिस्टम सर्विसेज, IT एंड नेटवर्किंग सर्विसेज और सोलर सिस्टम्स, ये तरह की सर्विसेज जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है। और ISO सर्टिफाइड किया गया है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स के लिए। 29 February 2024 के अकॉर्डिंग पे रोल पर 92 एम्प्लॉयज़ कंपनी में काम कर रहे थे। और अगर हम बात करें गाइस फिनेंशियल का, तो 21 में 19.6 करोड़ का रेवेन्यू और प्रॉफिट है 53 लाख का। 22 में 36.2 करोड़ का रेवेन्यू, 1.1 करोड़ का प्रॉफिट है। 23 में 46.8 करोड़ का रेवेन्यू, 2.8 करोड़ का प्रॉफिट है। 11 मंथ्स 24 में 65.2 करोड़ का रेवेन्यू, 5.6 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी का फिनेंशियल अगर देखा जाएगा तो टॉप लाइन हो या बॉटम लाइन, अच्छी ग्रोथ है, लेकिन जो यहाँ पे अगर देखा जाए तो बॉटम लाइन बहुत तेजी से इंक्रीज करी, टॉप लाइन में भी तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन बॉटम लाइन में बहुत स्ट्रॉन्ग इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि कंपनी के पास हाई मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनी के पास लगातार आ रही है बॉटम लाइन में, जो कि इसके बॉटम लाइन को लिफ्ट किया है, इसके प्रॉफिट को इम्प्रूव किया है। कुछ रिस्की पॉइंट की बात करें, कंपनी का जो बिजनेस है अंडर योर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स जो सो है, इसके कारण कॉस्ट ओवररन्स या डिलेज होने के कारण रिस्क हो सकता है, प्लस सब्जेक्ट टू परफॉर्मेंस रिस्क है जो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर से, रेवेन्यू के लिए हाईली डिपेंडेंट है महाराष्ट्र में, जो कि कॉन्सेंट्रेशन रिस्क क्रिएट कर रही है, पास्ट में निगेटिव कैश फ्लो रिपोर्ट कर चुका है, हाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स नीड है इसमें बिजनेस करने के लिए। वहीं अगर हम बात करेंगे जो ऑब्जेक्टिव का, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मीट करना चाहती है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और ऑफर एक्सपेंस को मीट करना चाहती है, जिसके लिए IPO लाया गया है। तो ओवरऑल कंपनी जो है अगर देखेंगे तो अलग तरह की सभी तरह की सर्विसेज वन रूफ के अंडर प्रोवाइड करती है, जिसकी मेजर थ्रस्ट दिया जा रहा है इलेक्ट्रिकल फायर फाइटिंग सिस्टम्स में, और टॉप एंड बॉटम लाइन जो सो इंडिकेट भी किया है, हाई मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट जिसको कंपनी के बॉटम लाइन को लिफ्ट किया है, ऊपर उठाया है, प्रॉफिट इंप्रूव किया है, और अर्निंग के अकॉर्डिंग गाइस फुल्ली प्राइस रखा गया है।
और अभी कंपनी जो है बहुत सारे ब्लू चिप क्लाइंट्स को भी सर्विस दे रही है, मतलब ब्लू चिप क्लाइंट्स को सर्व कर रही है। और लेकिन एक इसमें डिसएडवांटेज है इसकी, बहुत छोटी आईपीओ जो कि मतलब कि बहुत ही छोटी पेड अप कैपिटल है जो कि मेन बोर्ड में माइग्रेशन में लंबा टाइम ले सकती है इंडिकेट कर रही है। और इसलिए कह अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लिस्टिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हो आप लिस्टिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग मिलने जा रहा है। तो हम लोग वीडियो कहीं प्रेजेंट करते हैं, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।